हेलो पूछ ले कुछ पक्का आज आपको स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा सा है ना सिलेबस बहुत है टाइम बहुत कम है और आपकी कुछ क्वेरीज होंगे उसको थोड़ा सा आफ्टर द क्लास ठीक है एक दिन रख लेंगे सेशन रख लेंगे क्वेश्चन और क्वेश्चन आवर्स है ना जैसे संसद बोलता है ना क्वेश्चन आवर्स तो जितनी समस्याएं प्रॉब्लम्स हैं वो सब हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ठीक है ना तो शॉर्ट में पहले एक बार देख लो 25 क्या कहता है अनुच्छेद 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने आचरण करने की स्वतंत्रता क्या करने के लिए तीन बातें आबाद रूप से मानने बिना आप किसी भी धर्म में आस्था रखते हैं कोई उसमें बाधा नहीं है आबाद रूप से मानने के लिए स्वतंत्र है आपको आजादी है किसी भी धर्म को मानने की न केवल मानने की बल क्या करने की आचरण करने की अनुच्छेद 25 तीन बातें बताता है क्या कहता है There are three things. First one is, क्या कहता है वो धर्म को मानने की और दूसरी बात क्या कहता है उसका आचरण करने की हिंदू धर्म है हिंदू धर्म का आचरण करिए मुस्लिम है मुस्लिम का आचरण करिए ईसाई है ईसाई का आचरण करिए कोई पाबंदी नहीं हुआ और तीसरा कहता है न केवल आचरण करने की बल्कि उसका प्रचार भी कर सकते हैं गाइड भी कर सकते हैं अनुच्छेद 25 तीन बातें कहता है बहुत वाइड कंसेप्ट है इसका और कहता है किसी भी धर्म का आचरण करने के लिए उस धर्म का और तीसरी बात प्रचार करने के लिए लेकिन एक बात ध्यान रखिए मानने तक उसका आचरण करने तक कोई समस्या नहीं समस्या तीसरी है प्रचार करने आप प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है लेकिन किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य करना ये प्रचार करने में शामिल नहीं आप बताइए मेरा धर्म बहुत अच्छा है हिंदू धर्म बहुत अच्छा है मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा है आप बताइए इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है लेकिन किसी को प्रभोक करके किसी को लालच दे करके क्या करना किसी का धर्म परिवर्तन करना आपके प्रचार में शामिल नहीं है ये आर्टिकल 25 आपको ये स्वतंत्रता आपको नहीं देता तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है तीन बात कहता है ठीक है और इसके आगे बात कहता है ये दूसरा जो इसका क्लॉज है इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी धार्मिक आचरण से संबंध और आगे जाता है इसका क्लॉज 2 आर्थिक वित्तीय राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती क्या करिए राज्य कोई विधि बना सकता है किस चीज को लेकर के ऐसी विधि बनाए राज्य को कोई राज्य कैसी विधि बना सकता किसको लेकर के प्रॉपर्टी को लेकर के किसको लेकर के आर्थिक उत्पाद को लेकर के या किसी राजनीतिक या लौकिक क्रियाकलाप मतलब क्या है
रेगुलेटिंग रेस्टिंग एनी इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल अदर सेक्युलर एक्टिविटीज में भी एसोसिएटेड। आप देखिए इसका समझिएगा, मान लीजिए गुरुद्वारा समिति है आपके आगरा में है, गुरुद्वारा है कि नहीं? गुरुद्वारे के पास पहले जब हम आए थे पढ़ने 25-26 साल पहले, तो छोटा सा होता था, छोटा सा संस्थान था। आज वहां बहुत बड़ा एरिया कंस्ट्रक्ट हो गया है, बहुत बड़े एरिया पे खेती भी होती है उनकी और बहुत सारी प्रॉपर्टियां गली है बना ली। तो अब इसके लिए बनाए रखने के लिए कोई व्यक्ति कैसे, कोई ट्रस्ट काम करेगा? समझे, कोई ट्रस्ट होगा तो ट्रस्ट कैसे काम करेगा? तो ट्रस्ट के लिए भी क्या है, कोई विधि है, ट्रस्ट विधि है, ट्रस्ट लॉ है कि कोई समिति या रजिस्टर्ड कमिटियां कैसे कार्य करेंगी। तो इसके लिए सरकार कोई कानून बना सकती है कि नहीं? बना सकती। तो फिर ये नहीं होगा कि साहब आप कानून बना करके क्या कर रहे हैं, हमारे राइट टू फ्रीडम पर क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, ओवर रूल कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझा जाएगा। राज्य चाहे तो इन ब्लॉक क्रियाकलापों के लिए, व्यक्ति के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए क्या करती है, कोई कानून बना सकती है, उस पर वो नहीं। मेरी बात समझ आई नहीं आई? कोई ट्रस्ट कैसे काम करेगा, कोई ट्रस्ट कैसे रजिस्टर्ड होगा, कैसे रजिस्टर्ड होगी, कोई एनजीओ कैसे रजिस्टर्ड होगा, इसके लिए क्या हो सकता है, कानून बनाया, उसके लिए कानून बना सकती है, इस पर कोई वो बात की नहीं। दूसरा कह रहा है, अब मान लीजिए जो दूसरा क्लॉज है, तो पहला तो ये कहा उच्छेद के 25(1) में ये कह दिया तीन बात है ये मानने की, और 25 का ये दूसरा क्लॉज है जो सब क्लॉज 2 है, इसमें दो सेक्शन है। एक तो कह दिया कि कोई विधि बना सकती है, किसके लिए, आर्थिक के लिए, वित्तीय के लिए, और किसके लिए, आर्थिक के लिए, राजनीतिक के लिए, और लौकिक क्रिया। अब यहां कहा जैसे दूसरी क्लॉज जो कहता है, दूसरे का क्लॉज 2, वो क्या कहता है कि सामाजिक सुधार के लिए, सोशल रिफॉर्म्स, आप पढ़ते हो सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ा रहे यूनिवर्सिटी में, सोशल रिफॉर्म्स 1, सोशल रिफॉर्म 2, मीडियम लेक्चरी में पढ़ते हैं कि नहीं, राजा राम मोहन राय, बाल विवाह काल, सती प्रथा, सती प्रथा काल, नरबली, नरबली काल, ये सब चीजें हैं कि नहीं? आदमियों की बलि दी जाए, सर को मुंडन कर दिया जाए देवी मां के सामने, इसको बोलते हैं नरबलि, ठीक है, पशु बलि और नरबलि। तो पहले चलता था कि अगर नरबलि दी जाएगी तो देवता देवी खुश हो जाएंगे और पूरा काम सही हो जाएगा, लेकिन ये प्रथा किसी के पर हम आर्टिकल इंग्लिश जानते हैं, पढ़ते हैं, आप नहीं कह सकते है ना, आज भी आदमी जाति में ऐसा होता है, कई जगह ऐसा होता है, लेकिन पूरी तरह से कानून रूप से वो क्या है, क्योंकि आर्टिकल 21 आप पढ़ चुके हो कि बिना विधि की स्थापित प्रक्रिया के किसी के प्राणों से और उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं, अब नहीं ले सकते आप, लेकिन वहां तो कह दिया, लेकिन यहां कह रहे हैं आपके धर्म की स्वतंत्रता मानने और उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने, और आचरण में हमारे ये दैनिक काल से चला रहा प्रथाओं में कि नरबली देनी चाहिए, माताओं बहन जब उसके पति खत्म हो जाए तो सती हो जाना चाहिए, धर्म की प्रथा थी सती देवी की जय हो, पहले होता था कि नहीं, ठीक है, कई धर्मों में ऐसा है कि भाई हम तो ज्यादा जिम्मेदारी उठा सकते तो जल्दी से विवाह कर देना चाहिए। सरकार ने क्या किया कि नहीं ये गलत चीजें हैं, ये ट्रेडिशन क्या है, गलत है। तो समाज सुधार के लिए इन विधियों की रीतियों को क्या कर दे, रोक दे। अब उन्होंने बना दिया कानून सती प्रथा निरोधक अधिनियम, क्या कर दिया, अब कल को आप कहें लोगों के साथ ये तो हमारे धर्म के साथ क्या है, फ्रीडम के साथ क्या है, बाढ़ है, आप जो है आपने रोक दिया, ये तो हमारा धर्म जो है नष्ट हो जाएगा, हिंदू धर्म में है कि पति के मरने के साथ विधवा को भी क्या हो जाना चाहिए, साथ में जल के राख हो जाना चाहिए। तो ये आड़े आ सकता था, इसीलिए 25 के 2 में एक क्लॉज लिख दिया गया, दूसरा क्लॉज बना दिया गया और कह दिया गया सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और सद्भावों के लिए खोलने का उपबंध कर दिया। कर सकता है, कानून बना सकता है, विधि क्या कर सकती है, राज्य क्या कर सकता है, इसके लिए विधि बना सकता है, ठीक है ना, कर सकता है, इसके लिए उपबंध कर दिया।
अब देखिए आर्टिकल इसी में स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि जैसे हथियार के लिए क्या करना पड़ता है, आर्म्स एक्ट बना हुआ है, कोई हथियार आप लेके चलेंगे वैसे नहीं कि मार्केट से खरीद लिया और जेब में रख के चल दिए, उसके लिए आर्म्स एक्ट बना हुआ है, उसके तहत आपको उन हथियारों का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आप चाकू रख के नहीं चलते, आपने सोचा कि लाओ 6 इंच का चाकू पॉकेट में रख लेते हैं, खरीद लिया बाजार से, नहीं चल सकते आप, ठीक है ना। क्या है ये लीगल हथियार, लेकिन सरदारों के पास उनके धर्म का पार्ट है क्या करना, कृपाण को कटार को धारण करना, कड़े को पहनना, ये सब क्या है सरदारों की केस धारण करना। सिखों के धर्म में क्या है, 5 चीजें हैं कि 5 चीजें धारण करेंगे, गंगा केस कृपाण और कटार, है ना। तो ये जो चीजें हैं वो धारण करते हैं, तो वो धर्म का ही पार्ट है, तो कृपाण धारण करने के लिए कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, यहां स्पष्ट कर दिया गया कि वो उनके धर्म का पार्ट है, और एक्सप्लेनेशन इसी आर्टिकल 25 में लेकर के कह दिया गया कि कृपाण धारण करना क्या है, लेकर चलना सिख धर्म मानने का अंग समझा जाएगा। बाकी लोग चले कटार लेके तो पकड़ जाएगी पुलिस, पकड़ लेंगे नहीं, लेकिन वहां क्या है धर्म का पाठ है, तो कृपाण लेना भी उनके आचरण करने में शामिल है, उनके कंडक्ट में शामिल है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 समझ में आया। आर्टिकल 26 की बात करिए, आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 क्या कहता है, एक ही एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, मैनेजमेंट। वैष्णो देवी गए होंगे आप लोग, बहुत सारे मंदिर घूमने जाते हैं आप लोग, या जो भी अपना जिस भी धर्म से गुरुद्वारे जाते होंगे, चर्च जाते होंगे, तो चर्च का अपना मैनेजमेंट होता है, मंदिर का अपना मैनेजमेंट होता है, गुरुद्वारे का अपना मैनेजमेंट होता है। तो जहां 3 बातें कहकर छोड़ दिया 25 में, उसी को और आगे एक्सपेंड कर दिया कहा आर्टिकल 26 ने, और क्या कह दिया, क्या कह दिया कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन, इसी का एक्सपेंडेशन है, लोक व्यवस्था सदाचार और तीसरी बात क्या है, स्वास्थ्य के अधीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार कि धर्म के अधिकार पर क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसा कोई धर्म का आचरण या प्रबंधन नहीं कर सकते जिससे क्या हो जाए, लोक व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाए, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। अगर कहीं ऐसा लगता है कि आपके मैनेजमेंट से, आपके आचरण करने से लोक व्यवस्था डिस्टर्ब हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या कर सकती है, उसको रेस्ट्रिक्ट, इस अधिकार को भी क्या कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट। दूसरा सदाचार नैतिकता मोरलिटी के आधार पर, एक केस है सन्यासी आंदोलन करके, आपने देखा होगा कि मथुरा में वो चल रहा है कुंभ का चल रहा है ना, अर्धकुंभ चल रहा है, कई बार जो धार्मिक अखाड़े इस तरह के जो होते हैं आसन वगैरह, बहुत मतलब ये कहिए कि बहुत डरावने और कृत्य करते हैं, तो उनको एक केस था कोलकाता का, तो उसमें क्या था, सड़क पर निकलते हुए चिमटे और ऐसे बजाते हुए, तो उससे क्या था कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब होने की व्यवस्था थी, तो उस पर कहा गया कि इस तरह का प्रदर्शन आप आश्रम में करिए, किसी ऐसे स्थल पर करिए, लेकिन जहां पब्लिक सड़क से निकल रही वहां उस तरह के क्या है, इस तरह के प्रदर्शनों पर रोक लगा सकती है सरकार, ऐसा कर सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ किस बात के लिए, लोक प्रथा के लिए, सदाचार के लिए और स्वास्थ्य। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया, सती प्रथा, किसी के प्राणों के साथ, किसी के स्वास्थ्य के साथ, उस बात को लेकर के खिलवाड़ आप नहीं कर सकते धर्म के नाम पर, कि ये धर्म है। कई बार आपने देखा होगा कई प्रकार का जल आपको पिला देगा, मन नहीं है फिर भी धर्म का धर्म, नहीं पीना चाहते मत पीजिए, आचरण है लेकिन मत करिए, ठीक है। कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, अब मान लीजिए कोरोना काल चला, पेंडेमिक है,
और धर्म की व्यवस्था यह है कि नहीं साहब जो आएगा वो शरणागत पिएगा, पैंडेमिक हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, महामारी है हो सकता है, तो सरकार ने कहा नहीं कहीं कोई मंदिर नहीं खुलेगा, मना किया नहीं, तो रोक लगा दी किस आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, कि अगर व्यक्तियों का इस महामारी में क्या हो सकता है, स्वास्थ्य क्या हो सकता है, खराब हो, तो लिहाजा वहां क्या कर दिया जाए, लॉकडाउन कर दिया जाए, रोक दिया जाए। ठीक है, अब कल को कोई कहने लगे अरे साहब हमारी तो आस्था है, हम तो पढ़े मंदिर जाते हैं, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ क्या है छेड़छाड़ है, तो सरकार क्या कर सकती है, रोक सकती है, किन आधार पे, कौन से तीन आधार, आचार, इन तीन आधारों पर आपको मैनेजमेंट करने का पूरा अधिकार है। आप देखिए वैष्णो देवी जाते हैं तो कहां से आप करेंगे, कहां जाएंगे, है ना, कहां पे प्रसाद लेंगे, कैसे मंदिर में प्रवेश करेंगे, कैसे बाहर आएंगे, कहां रुकेंगे, पूरी व्यवस्था श्राइन बोर्ड के पास है। ठीक है ना, वहां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पास वो पूरी व्यवस्था मैनेजमेंट करने का, तो न केवल धर्म को मानने का, आचरण करने का, प्रचार करने का, बल्कि 26 क्या कहता है, इसकी व्यवस्थाएं करने का भी आपको अधिकार है किसी भी व्यक्ति को, लेकिन वो व्यवस्थाएं किसके अधीन है, सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य, ये तीन बातें हैं जिनके अधीन ये अधिकार आपको प्रदान किया है। ठीक है, अब इसमें जो मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या शामिल है, किसी मंदिर की स्थापना कर सकते हो, किसी धार्मिक स्थल की क्या कर सकते हो, आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, मंदिर बना सकते हो, ट्रस्ट बना सकते हो, और क्या कर सकते हो, कार्यों का मैनेजमेंट, कैसे कार्य होंगे, कैसे पूजा होगी, कैसे क्या होगा, ये मैनेजमेंट कर सकते हो आप। तीसरा, जंगम और स्थावर संपत्ति, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जब मैं आया था पढ़ने यहाँ तो गुरुद्वारे के पास बहुत थोड़ी संपत्ति थी, लेकिन लोगों ने वहां चंदा या अपना जो भी दे करके या उन्हें अपना मैनेजमेंट करके, अब क्या है, अब गुरुद्वारे का बहुत विस्तार आराम में हो गया है। ऐसे कई मंदिर, राधा स्वामी मंदिर बहुत छोटा सा था लेकिन आज बहुत बड़ा मंदिर बन गया। तो ये मैनेजमेंट का अधिकार, संपत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार मैनेजमेंट में शामिल है। कोई ट्रस्ट अब ऐसा चाहिए या तो कोई दान से दे दे या चंदा हो जाए, तो उससे कंस्ट्रक्शन का काम कराना है, कमरे बनाने हैं, जैसे आप देखिए जैसे श्राइन बोर्ड काम करता है, वैष्णो देवी जाते हैं तो क्या होता है, टीन शेड पड़ रहा है, रास्ता बनना है कि नहीं, ऐसे तिरुपति जाए कहीं भी जाएंगे या अजमेर चले जाए कहीं चले जाए किसी धर्म के, तो उनको संपत्ति खरीदने का, बेचने का, उसका मैनेजमेंट करने का, कार्यो का प्रबंध करने का, ये सब अधिकार इसमें शामिल है आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 25 में तीन बात आपको याद रखनी है, क्या करने, मानने, आचरण करने, और आर्टिकल 26 में क्या रखना है के अधीन है, क्या बात, मैनेजमेंट, आर्टिकल 26 25 तीन बात के लिए और 26 एक बात के लिए, लेकिन उस बात के साथ ये अधिकार मैं आपको पहले बता चुका हूं, अधिकार वहीं तक अधिकार है जहां तक दूसरे का अधिकार बाधित होना। तो तीन चीजें आपको, लोक व्यवस्था, सदाचार और, ठीक है ना, तो इसके लिए भी आपको, जैसे मैंने आपको बताई दिया है सती प्रथा, नरबलि, ठीक है, या बाल विवाह, कई प्रजातियों में कई ऐसी ऐसी जातियां हैं जहां पर बचपन में शादी करने की प्रथा है। तो अब उसको लेकर के अगर कोई कह दे कि नहीं भाई स्वास्थ्य, बच्चों की शादी अगर बिफोर 18 इयर्स कर दी जाएगी तो वो उस कैपेबिलिटी में नहीं होते हैं कि सामाजिक और फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से वो जिम्मेदारियों को ले सके, तो उनके स्वास्थ्य में क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। कल कोई कहते हैं कि नहीं साहब हमारे यहाँ तो विवाह ही 15 साल से होता है, आप क्यों कह रहे हैं स्वास्थ्य, ये तुम्हारे धर्म में है। तो स्वास्थ्य को लेकर के सरकार ऐसी वो लगा सकती है, फिर वो आपकी धर्म की स्वतंत्रता को बाधित नहीं होगी। 25 और 26 समझ में आ गया, 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 हाँ गलत है, रॉन्ग है, हटते इसलिए नहीं, देखिए ये राजनीतिक मामले, अभी देखिए कई जगह ऐसा कर दिया जाए, अब ऐसी मशीनरी आ गई कि आस्था भी ना टूटे और काम भी चल जाए, खानदारी जो आए आप चले जाइए, बस वहां एक बाजार थी और बीचों बीच रोड पे आ रही थी जहां फ्लाईओवर बन रहा था, है ना, तो मशीन से क्या किया पूरा उठा करके साइड में, आपकी धार्मिक आस्था भी बनी रही और रोड का काम भी होता। क्या है जब इस तरह के काम कंस्ट्रक्शन के और डेवलपमेंट के काम करते हैं तो कई जगह पर ऐसी चीजें आ जाती हैं,
अब उन्होंने कहा था हम तो बहुत पहले से बना हुआ है रोड पे, आज तो रोड आपकी चौड़ी हो रही है, पहले तो नहीं थी। जब हमारी आस्था, जब ये मंदिर हमने बनाया, मस्जिद हमने बनाई, तब ये डेवलपमेंट का काम यहाँ नहीं था, तो क्या करें आप? उस मंदिर मस्जिद आस्था की वजह से डेवलपमेंट काम रोक दें या डेवलपमेंट की वजह से आपकी आस्था रोक दें? तो दोनों बातों को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि विवाद भी ना हो और काम ही चल जाए, तो उसको दूसरी जगह पर स्थापित कर। ये समझदारी का काम है, किसी की भावनाएं भी आयत नहीं हुई और अपना भी काम। तो ये लेकिन इंक्रोचमेंट किसी भी पब्लिक न्यूसेंस बोलते हैं लोग अपनी लॉ में, उसको बोलते हैं लोक अपदूषण, है ना। होने को तो धारा 263 कहती है, जैसे आपने देखा होगा गली मोहल्लों में सड़क लंब सड़क होती है और लोग विवाह शादी प्रोग्राम सड़क करते रोक देते हैं, मोटरसाइकिल लगा दी, अब बल्ली लगा दी, अब उधर से जाएंगे विदाउट परमिशन, आप ये भी नहीं कर सकते। इट इज अ पब्लिक न्यूसेंस, ऑफेंस है, अपराध है, लेकिन कोई समाज और विभाग के नाते कोई किसी की शिकायत नहीं। आज भी घूम के चला जाता थोड़ा कष्ट है, चलो है ना। तो क्या है, हम सब उसके क्या है, भागीदार है, हम सब उस सिस्टम का हिस्सा है। अब ऐसे तो अपराध है, दूसरी चीज का अपराध है पब्लिक न्यूसेंस अपराध है, लेकिन जो शिकायत करेगा वो कहेगा सही ज्यादा कानून पड़ा हुआ है, ज्यादा कानून पता है, ऐसा तो होता है नेचर में आ रहा है। उसी को बोलते हैं ना सिविलाइज और नॉन सिविलाइज सोसाइटी। जब हम बहुत सिविलाइज हो जाएंगे तो खाना खा करके कई बार क्या होता, केला खाया गाड़ी से फेंकते हैं। अब कोई सिखाएगा थोड़ा ना आपको कि केला सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए, ये क्या है संस्कार है, आपको सीखना पड़ेगा। वो भी क्या है, अब जुर्माना कर दिया कागज से फेंकते हैं थूकते हैं तो क्या होगा, बीजिंग से सीखना चाहिए। बीजिंग ओलंपिक जब हुआ तो उस ओलंपिक में व्यवस्था की गई सफाई की, लोग नागरिकों ने अगर कहीं कुछ पढ़ा है कुछ तो पढ़ा, तो वो भी उन्होंने क्या किया अपने आप, किसी ने कहा नहीं उसे कि नहीं भाई तुम सफाई कर्मचारी, क्या किया उन्होंने उसको उठा के फेंक। तो ये क्या है, कल्चर है, संस्कार है, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। आप ऐसे लिखिए सॉरी, किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर नहीं, नो टैक्सेशन, ठीक है, किसके नाम पर, ऑन द नेम ऑफ। हम कह रहे हैं साहब नहीं, हिंदू धर्म के लिए, अब साहब हिंदू धर्म खतरे में है तो अब हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए हम एक टैक्स लगाने जा रहे हैं। जैसे पहले मुस्लिम शासन था तो आपको मालूम है कर का नाम क्या था, जजिया। जजिया जकात और खम्स दान के इतिहास में तीन कर आप पढ़ते, और जजिया का किससे लिया जाता था, नॉन मुस्लिम से लिया जाता। आज हम ये कर दें कि हम जो है गैर हिंदुओं से कर लेंगे, और जो किसके लिए, हिंदू धर्म के डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, वो टैक्स होगा। हो सकता है क्या, नो सर, क्योंकि 27 इस बात के लिए मना करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, संदाय मतलब देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जिससे आगम किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से विनियोजित किया जाता है। मतलब क्या है, सीधी सी बात है, किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कांग्रेस के लिए आप किसी व्यक्ति से क्या नहीं कर सकते, टैक्स ना लगा सकते हैं, ना उसे वसूल सकते हैं, ना टैक्स उससे ले सकते हैं, ना वसूल सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 27 इस बात के लिए मना करता है कि किसी भी व्यक्ति से कोई कर धर्म के नाम पर नहीं वसूल सकता। ठीक बात है कि नहीं, कि भाई हमसे वसूलो और दूसरे के धर्म के लिए क्या करो, उन्नति के लिए आपको करना है अपना पसंद करिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार का कर नहीं जा सकता, इसके नाम पर, धर्म के नाम पर नो टैक्सेस, ठीक है ना। तो सिंपल सा कहा है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आप किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए कोई कर नहीं लगा सकते, ठीक है, किसी भी नाम पर नहीं लगा सकता। क्या लगा सकता, नहीं लगाया,
विशेष धर्म हो या सभी धर्म, धर्म के नाम पर आप टैक्स नहीं ले सकते। आप अभी कुछ दिन पहले कोरोना काल में चला ये डिबेट टीवी पे कि तिरुपति मंदिर में 500 टन सोना है क्यों ना देश की उन्नति के लिए यूज कर ले। आप बताइए किसी की पर्सनल ट्रस्ट की संपत्ति है कैसे आप जब्त कर सकते हैं? कोई कानून नहीं इस तरह का बन सकता कि आप किसी की ट्रस्ट की संपत्ति को जब्त कर। और दूसरी बात यह है कि कोई भी कानून जनता के लिए बनता है, ठीक है ना, वही जनता जब विरोध करना शुरू कर देती है तो कानून वापस करना पड़ता है। कई बार वापस सही भी होती है, जैसे सती प्रथा लिया लोगों ने बहुत विरोध किया, बाल विवाद ना जब हुआ लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सही, ठीक है ना। और कौन कह रहा है आपसे मंदिरों में जाकर चंदा दो, किसी ने कहा है? ये तो आप खुद ही भगवान जी को ज्यादा से ज्यादा किस्मत दे रहे हैं। कहीं लिखा तो नहीं कि आप जो जाके चंदा, आस्था का चंदे से कोई लेना देना, ठीक है ना। तो यहां वही बात संविधान आपको सिखाता है कि आर्टिकल 27 कहता है कि किसी धर्म के प्रमोशन के लिए, संप्रदाय के प्रमोशन के लिए कोई कर नहीं लगाया जा सकता या किसी व्यक्ति से वसूला नहीं जा सकता। तो 25 आचरण करने पर, मानने पर और प्रचार करने पर, याद रखना, याद रखना दिया। 26 में मैनेजमेंट पर और 27 में नो टैक्स। किसकी प्रमोशन के लिए? किसी भी धर्म के, कोई स्पेसिफिक रीजन के प्रमोशन के लिए आप कोई टैक्स ले भी नहीं कर सकते, कोई भी आप टैक्स नहीं दे। क्या हो गया? सरकार भी नहीं कर सकती प्रमोट के लिए किसी स्पेसिफिक। अच्छा, टैक्स लगाने का काम किसका है? पब्लिक का है, सरकार का? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कर, पब्लिक टैक्स कैसे लगाएगी? पब्लिक टैक्स होता है कोई? पब्लिक टैक्स नहीं होता, उसको चौथ वसूली बोलते हैं, एक्सट्रा ऑफ मनी बोलते हैं। कल ये दे जाना नहीं तो दे नहीं, ये क्या है? एक्सट्रॉशन उत्तापन है, ठीक है ना। आईपीसी में दंडनीय अपराध है किसी से चौथ वसूलना किसी भी नाम, ठीक। 28 क्या कहता है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी कि अब आप देखो अनुच्छेद 27, क्या कह रहा है? शिक्षण संस्थानों में क्या है? धार्मिक उपासना पर उपस्थिति से स्वतंत्रता। मान लीजिए कोई माइनॉरिटी कॉलेज है, किसी प्रकार का कॉलेज है, और क्या कहा है? राज्य निधि से पूर्णतः पोषित। क्या लिखा है? कोई धार्मिक शिक्षा। अब ये मान लीजिए ये एडिट कॉलेज है, आगरा कॉलेज, जीआईसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये कैसे कॉलेजेस है? यहाँ एड मिलती है, निधि मिलती है। कॉलेजों का भी आप डिवाइड कर सकते हो तीन तरीके से, पूर्णतः का सरकारी जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है ना, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, ये कैसे कॉलेज है? गवर्नमेंट। दूसरे कॉलेज हो गए एडेड, कैसे कॉलेज हो गए? एडेड, जैसे आरबीएस इंटर कॉलेज, ये कैसा कॉलेज है? एडेड कॉलेज। कैसा कॉलेज है? एडेड। जहां सरकार मैनेजमेंट तो कॉलेज का रहता है लेकिन वहां वेतन वगैरह कौन देता है? निधि कौन देती है? सरकार देती है। और तीसरी तरह की प्राइवेट कॉलेज। पहली बात समझा नहीं? तो यहां पहली बात क्या कह रहा है? राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित जो फुल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, वहां क्या नहीं की जा सकती? कोई भी धार्मिक शिक्षा, कोई भी क्या नहीं दे सकता? धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्या कहा उसने? No religious instruction shall be provided to any educational wholly maintained out of state fund. State fund से चलने वाली शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, कोई भी धार्मिक शिक्षा। और दूसरा कहता है किंतु ऐसी बात शिक्षण संस्थाओं को लागू नहीं होगी जिसका प्रसार
राज करता है, किंतु जो किसी विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुए हो, जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। यहां तो कह दिया, यहां कह दिया 28 में आपने, कि भाई सरकारी स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या कह दिया? कोई धार्मिक शिक्षा नहीं। कहां पे? सरकारी स्कूल मतलब जहां गवर्नमेंट एड देती हो, जहां सरकार उसकी निधि से उसका पोषण करती हो। तो अब ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा? लेकिन दूसरे में कह दिया, लेकिन किसी संस्था का, किसी ट्रस्ट का डेवलपमेंट या एस्टेब्लिशमेंट भी ही इसीलिए हुआ है कि वहां धार्मिक शिक्षा दी जाए। जैसे जौहर यूनिवर्सिटी, संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है ना, एएमयू नहीं है इस तरह का, इस तरह की मुश्किल नहीं है। एएमयू में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, एएमयू में सब कुछ पढ़ाई होती है। हाँ, इस्लामिक जो स्कूल्स हैं उनमें नहीं। तो अब जो ऐसे स्कूल हैं जिनका एस्टेब्लिशमेंट ही किसके लिए हुआ है? धर्म की शिक्षा देने के लिए। वहां क्या हो सकता है? वहां पर धार्मिक शिक्षा पढ़ाई जा सकती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी है, जनरल यूनिवर्सिटी है, हिंदू यूनिवर्सिटी नाम जरूर है, लेकिन हर तरह का बच्चा, हर तरह की चीजें, हर तरह की कोर्सेज वहां चलते हैं। क्या चीज? बिल्कुल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडेड है। हाँ बिल्कुल एडेड है। क्या चीज? हाँ, जब कोर्सेज है तो पढ़ाए जाएंगे। संस्कृत क्या है? अपने आप में लिटरेचर है। पाली अपने आप में लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, तो वह पढ़ाया जा सकता है। लिटरेचर का धार्मिक शिक्षा से मतलब नहीं है। अब कहीं पर जैसे मदरसे हैं, मदरसों में क्या होता है? केवल और केवल मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, उसको पूरी चिंता में सिखाया जाता है, ठीक है। तो मदरसों में तो कल को हम कह सकते हैं कि मदरसों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन मदरसों के लिए ही क्या है, लेकिन अगर सरकार उनको पोषण देती है तो फिर वो आदि क्यों होगा? एड अगर सरकार देगी तो वहां भी धार्मिक शिक्षा, लेकिन मदरसों में अगर वह लॉ लिखा है कि इनका एस्टेब्लिशमेंट ही सिर्फ इस वजह से हुआ है कि वहां धार्मिक शिक्षा दी जाए, तो फिर उस पर कोई रोक नहीं, ठीक है ना। राजनीतिक बात हम लोग नहीं कर सकते, रिकॉर्ड क्लास के बाद है ना। ये देखिए पॉलिटिकल इश्यूज हैं और बहुत सारे मुद्दे उस पर विवादित होते हैं, उन पर हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर कुछ करना है तो क्लास के बाद। आपने पढ़ा नहीं, मंदिरों में शिक्षा देने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, कहां बात कर रहे हैं? आप खुद दीजिए, आप बताइए, मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके, उसमें हम कहां बात कर रहे हैं? हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, आप कहां ले जा रहे हैं? आप दीजिए ना, धर्म के बारे में हमने पढ़ तो लिया, प्रचार कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। 25-26 यही तो पढ़ाया हमने, क्या पढ़ाया हमने? लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ मंदिरों की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो 28 हो गया आपको कि धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहाँ? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जिनको सरकार ऐड देती हो या उससे वो सरकार उनको चला। इज दैट क्लियर? लेकिन अब बात है इस बात का भी, अगर उसका एस्टेब्लिशमेंट केवल इसलिए हुआ है कि वहां धार्मिक शिक्षा दी जाए तो वहां धार्मिक शिक्षा नहीं जाए। इज दैट क्लियर? अगला राइट पढ़ते हैं हम लोग, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। अखबार पढ़ते हैं आप लोग, मैगजीन वगैरह? कौन सी मैगजीन पढ़ते हैं? फ्रंट लाइन।
आर्टिकल 29 और 30, ये जो आपका फिफ्थ अधिकार है, हमने अब तक 1, 2, 3, 4 राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू रिलीजन, ये चार अधिकार पढ़े। और पांचवा अधिकार क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। पढ़ा तो हमने 21A भी था, शिक्षा का। फिर यहां ये अलग से अधिकार देने की क्या जरूरत थी? क्या थी? अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के लिए थोड़ी सी हमने व्यवस्था की है, लेकिन यही हम थोड़ा सा चूक कर जाते हैं। कॉन्सेप्ट ब्रॉड है, 29 और 30 में इस बात का डिफरेंस आप देख सकते हैं। आर्टिकल 29 में लिखता है, पढ़िए जरा, है किसी पे? चलिए थोड़ी ना पढ़ सकता, लिखा जरूर 29 में है। क्या लिखा है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या लिखा है उसने? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों का। 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। लेकिन उसकी अगली लाइन पढ़ोगे तो क्लियर होगा इस बात को। आप बेहतर पढ़ना सीखेंगे तो आप देखेंगे उसमें क्या लिखा है। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अधिकार को, एनी पर्सन, टाइटल क्या लिखा हमने, हेडिंग क्या था? अल्पसंख्यकों के अधिकारों का या हितों का संरक्षण। और लाइन क्या कह रही है? भारत में रहने वाले किसी भाग के किसी भी नागरिक को। मेरी बात समझ आ रही है? हेडिंग तो कह रही है किसके अधिकार? माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट। और अंदर से क्लॉज में जा रहे हैं तो क्या कह रहा है? भारत में रहने वाला किसी भी भाग का कोई भी नागरिक, नॉट माइनॉरिटी, वाइड हो गया। हमने जब ये कहा कि भारत के रहने वाला किसी भी भाग का कोई भी नागरिक, और वहां ऊपर लाइन में क्या लिखा है? माइनॉरिटीज। तो दैट मीन्स क्या हो गया? कंसेप्ट ब्रॉड हो गया, बड़ा हो गया। यानी कि भारत का कोई भी नागरिक क्या कर सकता है? किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। वर्ड जरूर कहा हमने कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण क्या है? लेकिन क्या कह दिया कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को, क्या कह दिया? किसी भी नागरिक को। और किस चीज का अधिकार है? भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। यानी कि किसी भी नागरिक को, यहां तो शॉर्ट में लिख दिया अल्पसंख्यकों के लिए, लेकिन ये वर्ड क्या है? ब्रॉड है। भारत के किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का क्या होगा? अधिकार होगा, राइट। नॉट फॉर माइनॉरिटी, दिस राइट इज गिवन टू एवरी पर्सन। इज दैट क्लियर? यस सर। केवल माइनॉरिटी के लिए नहीं, इसके लिए किसी भी नागरिक को। और किन बातों के लिए? तीन बातों के लिए, लैंग्वेज के लिए, स्क्रिप्ट के लिए और कल्चर के लिए। आपको अपना कल्चर बचाए रखना है, आपको अपनी भाषा संरक्षित रखनी है, आपको अपनी लेखन शैली या लिपि, जो लिखने की शैली, हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी। हम लिखते हैं, ये कौन सी लिपि है? देवनागरी, ठीक है ना। तो इसको आपकी कोई अपनी भाषा हो सकती है, अपनी किसी संप्रदाय विशेष की क्या हो सकती है, कुछ कल्चर हो सकता है, तो आप उसको संरक्षित रख सकते हैं। नॉट फॉर द माइनॉरिटी, बट इज क्या है? एनी पर्सन। आईएएस के शायद 2-3-4 साल पहले एक सवाल था कि ये अधिकार केवल माइनॉरिटी को है या किसी भी व्यक्ति को है, तो आंसर क्या था? तो लोगों ने हेडिंग पढ़ा दी है तो माइनॉरिटी के लिए अधिकार है। क्लियर बात समझ आ रही है? अरे क्लॉज तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, आप अपने मन से थोड़ा पढ़ेंगे। ऑप्शन में ये सुन लेता कि हमने क्लॉज पूरा दिया या आधा दिया, वो तो ये कहता है आर्टिकल 29 के अनुसार शिक्षा, संस्कृति और भाषा को बनाए रखने का, सॉरी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा केवल अल्पसंख्यकों को, किसी भी नागरिक को, दोनों को, निम्नीकरण में दोनों की। ये देखा, ये थोड़ा देखा कि आधे 29 के अनुसार, पूरे आर्टिकल 29 के अनुसार ऐसे लिख के देता है, ऐसे तो लिख के देता है ना। चलिए देखिए,
क्राइटेरिया के लिए होगा किसी भी नागरिक का मतलब क्या है भारत से बाहर है भारत के किसी भी भूभाग में अगर ट्रैवल एरिया भी है वो भी इसमें शामिल ठीक है ना नहीं ये कोई गांव नहीं मेजोरिटी और माइनॉरिटी का सीधा सा लेना देना ये है कि जहां संख्या ज्यादा है वो मेजोरिटी और जहां संख्या कम है वो माइनॉरिटी ठीक है इसमें कोई ऐसा आधार नहीं है कि संस्कृति भाषा के आधार पर हम किसी को माइनॉरिटी का मेजोरिटी ठीक है आगे देखिए राज्य द्वारा पोषित या राज्य नीति से सहायता पाने वाली किसी देश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म यही एनयू में आता है धर्म कुलवंश जाति भाषा या इनमें से किसी आधार पर पंजीकृत नहीं किया जाएगा इसी में कह दिया कि आपको भाषा लिपि संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है लेकिन आपको शिक्षण संस्था है कोई तो आपको किन आधारों पर आधार लिखिए किन आधारों पर धर्म पहली बात तो रिलीजन कि भाई यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में क्या करेंगे सब मुस्लिम पढ़ेंगे या बीएचयू है तो केवल हिंदू पढ़ेंगे आप नहीं रोक सकते किसी को धर्म के आधार पर किसी को प्रवेश से नहीं रोक सकते धर्म और अगला जाति मूल वंश और भाषा के आधार पर किसी को प्रवेश से वंचित मान लीजिए हमने जैसे आप ये मान के चलिए आपके बगल में बना हुआ स्कूल एमपी है मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं आगरा के लोग होंगे जानते होंगे हरिपर्वत से लगा हुआ कॉलेज है एमपी है माइनॉरिटी कॉलेज है वो क्या आपको धर्म के आधार पर उसमें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है नहीं तो आप कह नहीं पड़ेंगे नहीं रोका जा सकता यहां कह दिया कि आप बनाओ विद्यालय आप बनाओ अपनी भाषा को सेव करो आप कल्चर सेव करो आप अपनी स्क्रिप्ट सेव करो बट अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है तो उसमें धर्म के आधार पर भाषा के आधार पर जाति के आधार पर कुलवंश के आधार पर आपको वहां प्रवेश से रोका क्या चीज जेंडर के आधार पर क्या आपको किया जा सकता है आप पढ़ चुके 14, 15, 16 यह हम लोग बात कर रहे हैं माइनॉरिटी कॉलेजेस की और लैंग्वेज की बेस की ठीक है ना और वो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता मदरसों में भी एडमिशन ले सकता है हिंदू स्टूडेंट होगा नहीं नहीं वो तो के अब जैसे कंपल्सरी नहीं है किसी को अप्लाई तो कर सकता है नहीं वो केवल इस्लामिक धर्म के लिए मैंने आपको इससे पहले आपको पढ़ाया था कहां पर कौन से आर्टिकल में 15 कि अगर कोई और 19 में पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कोई स्किल्स के बारे में कोई धार्मिक संस्थान है मान लीजिए मस्जिद है या मंदिर है तो कल कोई मुस्लिम संस्कृत पढ़ के कहने लगे कि मैं ब्राह्मण जो मंदिर है वहां का जो पुजारी जो है मैं जो वर्कर है वो पद मुझे चाहिए आप अलग से नॉलेज दीजिए स्कूल में आपको एडमिशन ठीक है ना वहां रोका जा सकता क्योंकि वो केवल धार्मिक शिक्षा देने के लिए ठीक है ना तो आगे देखिए तो 29 समझ में आया दो बात है पहली बात कही क्या बात कि भाषा को लिपि को और कल्चर को बनाए रखने का अधिकार है किसी भी लिपि को जो भारत में रहता है और दूसरी बात कही वहां पर क्या कि किसी भी व्यक्ति को किस आधार पर अगर उसको ध्यान रखिए राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले स्कूल जिनका वेतन जैसे एमडी देना है वेतन कहां से मिलता है सरकार देती है मैनेजमेंट जरूर होता है अपना आगरा कॉलेज भी कैसा कॉलेज है एडिट कॉलेज है यहाँ की अपनी मैनेजमेंट कमेटी है जिसके कमिश्नर साहब चेयरमैन होते हैं ठीक है ना प्रिंसिपल साहब सेक्रेटरी होते हैं और यहाँ के मैनेजमेंट सदस्य चले जाते हैं साथ ठीक है लेकिन हम सबका वेतन कहां से आता है सरकार से तो गवर्नमेंट के स्कूलों में जहां दिया जाता हो वहां पर किसी को भी प्रवेश पर इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं और हम पहले भी पढ़ चुके हैं 15-16 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ दे दिया माइनॉरिटी स्कूल के संदर्भ में
आर्टिकल 33, आर्टिकल 30, प्राइवेट जो माइनॉरिटी स्कूल है जैसे क्रिश्चियन स्कूल है, आप देख लीजिए, जैसे सेंट कॉन्ग्रेट है, पीटर्स है, पैट्रिक्स है, उनका अपना मैनेजमेंट है, लेकिन वहां भी अब कर दिया गया 15-5 और 16-5 15-5 पढ़ा था हमने कि प्राइवेट स्कूलों में भी आरक्षण व्यवस्था या स्पेशल प्रोविजन कर सकती है सरकार, तो अब प्राइवेट कॉलेजों को भी क्या कर लिया, शामिल कर लिया एजुकेशन में, कि आपको वहां भी रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करनी पड़ सकती है अगर सरकार चाहे तो। अब जैसे राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया शिक्षा अधिनियम 2009, 25% सीटें गरीबों के लिए रिजर्व है हर विद्यालय में, लेकिन वहां रिजर्व तो है लेकिन उनका फीस का अपना मैनेजमेंट है, सरकारी को है नहीं, 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 रुपये महीने अगर देना पड़ेगा तो क्या गरीब वहां पढ़ा पाएगा, लेकिन अगर पढ़ाना चाहता है तो पढ़ा सकता है, वहां सीटें रिजर्व है, राइट टू एजुकेशन मिलके रहे, ठीक है, एडमिशन होता है, लेकिन लोग जाते ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं अधिकार, ठीक है ना। चलिए 30 देखिए, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, वहां तो केवल बात कही गई थी कल्चर की, भाषा की और लिपि की, और यहां जो बात की जा रही है किसकी की बात की जा रही है, यहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं, ठीक है ना, उनका प्रशासन कर सकते हैं, ठीक है। धर्म या भाषा पर आधारित क्या कर जा सकता है स्कूलों को, जैसे मदरसा धर्म आधारित, भाषा आधारित, कोई बोडो या कोई अन्य तरह की भाषा है उसके लिए भी स्कूल आदमी माइनॉरिटीज क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, चला सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। आर्टिकल 30 यही आपको अधिकार देता है, अनुच्छेद 30 का देता है आपको अल्पसंख्यकों को स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार, किन चीजों का, शिक्षण संस्थानों को बनाने। तो ये दो अधिकार आते हैं, पांचवा अधिकार पड़ा एजुकेशनल, और तो 29 और 30 बहुत आसान है, बस वर्ड्स आपको कुछ याद रखना है। 29 में क्या कहा, हेडिंग तो ये है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, लेकिन अंदर जाकर कह दिया कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, ठीक है। इसके बाद आगे बोलता है कि जाति धर्म मूल वंश के आधार पर किसी से कोई भेदभाव शिक्षण संस्थानों, जहां सरकार ऐड देती है, और यहां कह दिया क्या 30 में कि अल्पसंख्यक चाहे तो भाषा के आधार पर, और किसके आधार पर, धर्म या भाषा के आधार पर, दो चीजें ध्यान रखना, धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक चाहे तो अपने शिक्षण संस्थान, क्लियर। इतने सवाल आप यहां से पूछता है, सबसे महत्वपूर्ण छठवां अधिकार जो आपके बहुत काम भी आता है, और तो ये धर्म इसमें भी आता है और मॉलिक्यूल भी आता है, इसमें कंफ्यूजन क्या कंफ्यूजन बोलो, वहां क्या लिखा है, क्या लिखा है वहां पे, उन्होंने कहा है कि भाषा को सेव करने के लिए, लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है ना, वहां संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए, और 30 क्या कह रहा है, स्पेशल रूप से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए, दोनों में अलग अलग चीजें, वहां भाषा कर की बात कर रहा है और 30 में शिक्षण संस्थानों की बात कर रहा है बनाने की, वहां कह रहा है कि भाषा कोई भी व्यक्ति अपनी क्या कर सकता है, सेव कर सकता है, और यहां क्या कह रहा है वो, यहां 30 जो है वो स्पेशल रूप से कह रहा है अल्पसंख्यकों के लिए कि वो शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और बहुत ध्यान से आर्टिकल 31 थोड़ी देर में बात करेंगे, तो 31, 33 और 34 और 35 की बात थोड़ी बाद में करेंगे, एक साथ करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद छठवां अधिकार है, क्योंकि हमने 30 तक पढ़ लिया है, 12 से लेकर 30 तक कोई आर्टिकल छोड़ा नहीं है, हम 31 भी नहीं छोड़ेंगे, 31 को भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, हम पहले छठवें राइट को पढ़ते हैं। छठवां राइट कौन सा आपका, ये है क्या, ये
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और कौन सा अच्छे आर्टिकल क्या है ये संवैधानिक उपचार जो लोग पढ़े हुए हैं पहले से कहीं कोचिंग किए थे उससे पढ़े हुए हैं वो डिस्कस करेंगे कोचिंग नहीं ली है अच्छा थोड़ा बहुत पढ़ा है कहाँ से पढ़ा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी छठ में जो अधिकार है उसका क्या नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी संवैधानिक उपचारों का अधिकार ऐसे मानो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको 100 रुपये दूंगा क्या कहूँ 100 रुपीज दूँ और कहूँ खर्च मत करना कल मुझे वापस करना आपके किसी काम का है सब देते ही नहीं इससे तो सिंपल सी बात है मैंने कहा 100 रुपये ले जाओ लेकिन खर्च नहीं करना चाहे कितनी भी जरूरत हो ये कल मुझे वापस करना है तो आप कहते हैं कि भैया जब कोई अधिकार नहीं तो ये अधिकार देने का मतलब क्या मैं जेब में रख के घूमूं तो संविधान भी ये कहता है जो आप तक 5 राइट पढ़े अगर उनको मिलने की संभावनाएं खत्म हो जाए तो अधिकार देना और ना देना क्या है बराबर दोनों बातें क्या है बेकार है क्या आपने अधिकार दिए भी और मिले भी नहीं मैंने पैसा दिया भी और खर्च भी नहीं कर सकता तो क्या हुआ आपके लिए क्या है वेस्ट है तो संविधान निर्माता जानते थे और आपको मालूम है कि अधिकारों को सर्वाधिक खतरा अगर किसी से होता है तो वो राज्य से होता है इसीलिए आर्टिकल 12 में राज्य को सबसे पहले डिफाइन किया गया मैंने आपको बताया क्योंकि राज्य से शक्तिशाली संस्था कोई नहीं होती तो ऐसी स्थिति में लगता था संविधान निर्माताओं को अंग्रेजों के समय ये झेला गया था अपने किसी काल में तो उन्होंने कहा कि यही एक ऐसा अधिकार बनाओ कि अगर ये अधिकार ना मिल पाए तो लोग इस अधिकार के माध्यम से उस अधिकार को क्या करें ले सकें इसीलिए कहा गया उसको संवैधानिक उपचार यानी कि संविधान में ही वो उपचार दिया है जिसके माध्यम से अगले 5 अधिकारों का क्या कर सकते हैं लागू करवा सकते हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं इज दैट क्लियर इसलिए क्या कहा गया उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब एक अधिकार बना करके संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई जिससे उस अधिकार को क्या जा सके लिया जा सके लागू करवाया जा सके क्लियर की बात तो इसको बनाया गया कि विधि द्वारा आप इनको क्या कर सकते हैं इनको लागू अगर सरकार ना देना चाहे आपको जैसे अभी बात चल रही है ठीक है ना कल एक बच्चे ने क्लास में मुझसे डिस्कस अपने यहां से जाने के बाद किया वो अमेंडमेंट उठलाया CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जिसपे CAA और NRC को लेकर के बात है तो मुस्लिम बच्चा था पढ़ता है हमारे स्टूडेंट PL थर्ड ईयर का तो वो बोला सर वहां इंसर्ट कर दिया गया एक सेक्शन 2 को वहां अमेंड किया गया इसलिए उसका नाम है क्योंकि नागरिकता अधिनियम बनाया कब 1955 में क्योंकि हमने 5 से 11 नागरिकता पढ़ा है तो उसके लिए लागू करने के लिए संसद विधि बना सकती है आप जानते हो सब नागरिकता के लिए कानून बनाने की पावर किसके पास है संसद तो संसद ने इसके लिए क्या किया है एक कानून बनाया नागरिकता अधिनियम 1955 कि कैसे नागरिकता मिलेगी कैसे जाएगी है ना क्या क्या हो सकता है ये सब उस कानून अधिनियम में लिखा हुआ है एक वर्ड यूज होता है कई कामों में इलीगल माइग्रेंट क्या वर्ड यूज होता है इलीगल माइग्रेंट अवैधानिक प्रवासी क्या बोलते उसको हम लोग अवैधानिक प्रवासी किसी तरीके से कोई व्यक्ति यदि इस देश के अंदर एंटर कर गया माइग्रेंट कर गया आ गया तो क्या वो नागरिकता पाने का अधिकारी होगा पहले यही था बट 2019 में ये कह दिया गया कि दिसंबर 2014 से पहले जो भी 3 देशों से पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश 3 देशों से अगर कोई व्यक्ति आया है कब दिसंबर 2014 से पहले
और भारत में रह रहा है तो उसको इल्लीगल, और किस धर्म से? हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी, मुस्लिम नहीं। क्योंकि सरकार का वर्जन यह है, सरकार यह कहती है कि ये जो तीनों कंट्रीज हैं वो इस्लामिक कंट्रीज हैं और मेजोरिटी किसकी है? मुस्लिम की है। तो मुस्लिमों पर क्या होना, उन पर उनका शोषण होने की संभावना कम है क्योंकि वो मेजोरिटी में इस्लामिक कंट्रीज है। वहां हो सकता है कि हिंदू पे, धर्म पे और क्या कहते हैं सिख पर, ईसाई पर, इन लोगों को, तो वहां रहने के लिए उनको समस्याएं हो और वो यहाँ कहा आ गए हो इंडिया, तो उनको कह दिया गया कि ऐसे लोग जो इन देशों से यहाँ आए हैं धर्म के, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होंगे और उनको जो है क्या दिया जाएगा, उनको सिटीजनशिप दी जा सकती है। यही विवाद का विषय है, मेरा वर्जन नहीं है, सरकार का वर्जन है, ठीक है, संसद में जो कहा है वो बता। तो ये विवाद का विषय है कि मुस्लिम्स को क्यों इंक्लूड नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट को उसने कहा कि सर इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, आप तो कह रहे हैं कि किस्मत सत्ता का अधिकार, कोई भी भेद नहीं होगा, कोई धर्म जाति के आधार पर भेद नहीं, लेकिन ये तो जो अमेंड किया है वो धर्म के आधार पर क्या दिखा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहा है। बट मैंने ये भी बताया बच्चे को, मैंने कहा था जब मैंने आर्टिकल 14-15 बताया तो बताया था कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है, लॉजिकल वर्गीकरण किया जा सकता है चीजों में, नहीं तो नहीं होता था। तो महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, एससी के लिए भी, ओबीसी के लिए भी है, एसटी के लिए भी है, तो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन बनाया गया है। और अगर आप ये सिद्ध करते हैं सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल करके, इट इज द इलॉजिकल, सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कर देगा, रेस्ट कर देगा, आप जाइए, किसी ने रास्ता रोका तो नहीं है, और जाने का रास्ता कहां है, अनुच्छेद 32 में, आपका अधिकार अगर कहीं वायलेट हो रहा है तो उपचार कहां दे दिया गया आपको, 32 में आपको यह अधिकार है कि आपके किसी फंडामेंटल राइट का अगर हनन हो रहा है, किसी मूल अधिकार का वायलेशन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट फाइल कर सकते हैं। तो वही कहता है इस भाग द्वारा इसकी हड़ी क्या, अनुच्छेद 32 की, अनुच्छेद 32 क्या कहता है, इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को लागू कराने हेतु उपचार क्या दिया है, इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए, इनफोर्स कराने के लिए, लागू कराने के लिए क्या दिया गया है, उपचार, क्या दिया गया है, उपचार, ठीक है ना, रेमेडीज दी गई। तो क्या कहा है, देखिए इसमें चार क्लॉज है 32 में, 1, 2, 3, 4, कितने क्लॉज है, 1, 2, 3, 4, कितने क्लॉज है 32 में, चार क्लॉज, और बहुत महत्वपूर्ण है चारों, चारों से ही सवाल बनता है, ठीक है। तो 32 तो एक में सिर्फ इतनी बात कही गई है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है, गारंटी दी जाती है, किस बात की, कि इस भाग में जो अधिकार दिए गए हैं उनको लागू कराने किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इस भाग द्वारा क्या दिया गया है, जो अधिकार दिए गए हैं उनको लागू कराने की गारंटी है, गारंटी देता है संविधान कि ये जो अगले पांच अधिकार हैं इनको लागू कर, क्या है इनकी गारंटी, और किसके माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, किसके माध्यम से, उच्चतम न्यायालय के माध्यम से, और गारंटी कैसे है, समुचित प्रक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, समुचित, इस समुचित प्रक्रिया के द्वारा इस भाग में दिए गए अधिकारों को लागू कराने के लिए गारंटीड किया जाता है, प्रत्याहूत किया जाता है, इसमें आप पढ़ सकते हो द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग, ठीक है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट कंफर्ड बाय दिस पार्ट,
कंफ्रंट वाइज पार्ट मतलब किस पार्ट में दिए गए अधिकारों, किस पार्ट मतलब भाग तीन में दिए गए अधिकारों को इनफोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग, बड़ी याद रखना, एक क्या कहता है वो समुचित कार्यवाही के द्वारा, क्या कहता है समुचित कार्यवाही के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, समुचित कार्यवाही के द्वारा, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के द्वारा आपको क्या करा सकता है, इस भाग में दिए गए अधिकारों को लागू करवाने की गारंटी, गारंटी दे दी गई आपको, अगर ये अधिकार ना मिले तो इस अधिकार के माध्यम से आप उन अधिकारों को ले सकते हो, और चूंकि ये संविधान में है उपचार इसलिए नाम दे दिया गया संवैधानिक उपचार, और गारंटेड है कि आपको ये मिलेंगे, ना मिले तो 32 में चले जाओ। अब ये जो वर्ड यूज हुआ एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग समुचित कार्रवाई, ये क्या है, इसको डिफाइन किया है 32(2), इसमें डिफाइन किया है 32(2), वहां क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इस भाग द्वारा उच्चतम न्यायालय ऐसे निर्देश या आदेश या रिट क्या कर सकता है, समुचित कार्रवाई को लागू कराने के लिए क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, निर्देश आदेश या क्या रिट, और जिन रिटों के अंतर्गत पांच चीजें शामिल हैं 1, 2, 3, 4 and 5। मैं बता रही बता, इस रखो मैं सब एक एक चीज आपको खोल बता रहा हूं, आप घर जाके पढ़ोगे किताब तो आपको एक एक चीज समझ जाएगी, और नहीं पढ़ोगे तो यहां पे याद हो जाएगा, घर जाके एक प्रोसेस है केमिस्ट्री में सबलिमेशन, जानते क्या होता है, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं उसको, क्या होता है उसमें, क्योंकि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं ठोस द्रव और गैस, लेकिन ऊर्ध्वपातन में कुछ ऐसे तत्व हैं जो बिना दूसरी स्टेट में बदले तीसरी स्टेट में परिवर्तित हो जाते हैं, ठोस है तो लिक्विड में बदलेगा तब गैस में जाएगा, ये सामान्य नियम है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो सीधे क्या हो जाते हैं थर्ड स्टेट में चले जाते हैं, किस स्टेट में, थर्ड स्टेट में, तो ऐसे ही अगर रिवाइज नहीं करोगे तो ज्ञान कहां चला जाएगा, सबलिमेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबलिमेट, रिवाइज करते रहें, क्वेश्चन करते रहें और पढ़ते रहें तो लाभ होगा, आप गए यहां से किताब पटक दी और फिर उसके बाद कुछ करेंगे तो तुम्हारा लाभ, और जितना डिटेल्स आर्टिकल्स को मैं पढ़ा रहा हूं और डिटेल पढ़िया है ना, क्योंकि आपको आईएएस देना है, टारगेट आईएएस बनाएंगे तो टीसीएस हो ही जाएंगे, और अब बहुत अच्छी बात है हमारे समय में दोनों का सिलेबस अलग था, लेकिन अब जो पीसीएस का पैटर्न है वही आई सर, तो हम लोग पीसीएस की परीक्षा छोड़ दिया करते थे, बोले यार कौन सा कम पड़ेगा उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव है यार रिटेन, रिटेन पढ़ते हैं, आईएएस हो जाएंगे तो हो जाएगा, लोअर वगैरह छोड़ दिया करते थे उस समय में, ठीक है, लेकिन अब क्या है एक ही तैयारी से दोनों एग्जाम क्रैक हो सकते हैं, और जोर लगा के पढ़ेंगे, जिस दिन लोग कहने लगेंगे अभी लड़की कह रही है सर टाइम नहीं मिलता है क्लास की, यहाँ आते हैं कोचिंग जाते हैं सर बड़ा, आप घर वाले कहने लगे हैं कि लड़की हमारी कहीं पागल ना हो जाए, तो मैंने कहा तो सही ट्रैक पे हो, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, आप एक्शन करें उसका रिएक्शन, रिएक्शन शुरू हो गया दैट मीन्स क्या है आप सही ट्रैक पे हो, सही जा रहे हैं, पेशेंस बनाए रखना, अगर कुछ चीज अगर निश्चित है तो वो है सिलेक्शन, लगे रहना छोड़ना नहीं, बीच जो छोड़ देगा वो हो सकता है किनारे से जाकर लौट आए, आप लगे रहेंगे आज असफल होंगे, लेकिन तैयारी सतत रहती है और उसमें पेशेंस का काम होता है। चलिए हम लोग 32 की बात कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है और रिट दे सकता है, और रिटों में कितनी, ये पांच आप सब जानते हो क्या क्या, अधिकार रक्षा, अधिकार रक्षा इंग्लिश में बोलते हैं इसको हैबियस कॉर्पस, बोलते हैं मैंने बस, बोलते हैं परमिशन, बोलते हैं दोबारा, इंग्लिश में पांच रिटें हैं,
हिंदी में इसको बंदी प्रतिष्ठान कह सकते हैं या इसको हैबियस कॉर्पस, ठीक है ना, हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रतिष्ठान एक ही बात। दूसरा है मैंडेमस परमादेश, तीसरा है प्रोहिबिशन या प्रतिषेध, प्रोहिबिशन या प्रतिषेध, और चौथा है सर्टियोरी या उत्प्रेषण, सर्टियोरी या उत्प्रेषण, और पांचवा क्या है कोवार्ड या अधिकार रक्षा। समझ आई बात, लिख लिया, ये पांच होते हैं, कितने होते हैं पांच, हैबियस कॉर्पस पहला बंदी प्रतिष्ठीकरण, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन प्रतिषेध, चौथा सर्टियो रेरी सर्टियोरेरी, और पांचवा को वारंटो। लैटिन वर्ड है कि वो लैटिन भाषा से आप करते हो, है ना, मतलब समझ लीजिए इनका पांचवा। बंदी प्रतिष्ठा का मतलब क्या है, अवैध रूप से इलीगली अगर किसी को डिटेन कर लिया गया है, अगर अवैध रूप से क्या कर लिया गया है, किसी को अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है, तो उसके लिए आप जा सकते हो, कहां कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के साथ हमारी पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी बाधित हो रही है साहब, हमको जबरदस्ती बंद कर रखा है, और आर्टिकल 21 का क्या है, ये वायलेशन है, उल्लंघन है, क्या है इसका, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जरा पानी दिला, आर्टिकल 21 का क्या है उल्लंघन है, आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और कौन सी रिट जारी करा सकते हैं, हैबियस कॉर्पस, कोर्ट कहेगा कि 24 आवर्स के अंदर व्यक्ति को कहां पेश करो, कोर्ट के अंदर पेश करो, और बताओ अगर सरकारी आदमी ने पकड़ा है तो बताइए डिटेन सही क्या है या गलत है। तो सशरीर प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट कह सकता है इसको, प्रशासनिक बॉडी को या प्राइवेट पर्सन, दोनों को लेकर, ठीक है। ऐसे ही मैंडेमस, ये क्या होता है परमादेश, बहुत रिट जारी हो गई है, इसका उपयोग बहुत है, हाँ हाँ बोलो बोलो, उदाहरण देके बताओ, हाँ पदाधिकारी का कार्य जो जो भी आदेश दिया है ना उसको अमान्य कर दिया था, तुम बताओ, अपने संज्ञान में काम नहीं करते हैं तो उसके रिट जारी है, ये तो प्रतिषेध और सर्टिफिकेट की बात है, काम करें आप, जैसे उदाहरण हाँ, जैसे उदाहरण कोई तो पूछ रहा हूं, ये तो सब पढ़ा है सबने, ये कर्तव्यों का निर्वहन ना करें, ये तो पूछ रहा हूं, तभी तो जान पाएंगे परमादेश होता क्या है, अरे वो बात तो समझ में आती है, अगर कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है कोई लोक अधिकारी तो उसको आदेश कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अपने कार्यों को करे, तो मैं उसी का एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, अरे बहुत सिंपल सी बात, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं बहुत एग्जाम्पल सिंपल देता हूँ, सब लोग आय प्रमाण पत्र जात प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, मूल निवास जाते हैं ना, सब लोग जाते हैं, उस पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है चाहे तहसीलदार है चाहे एसडीएम क्या लेखपाल है काम को, क्या है उसकी ड्यूटी, वो सर्टिफिकेट और सिटीजन चार्टर की चिपका दिया गया सब तहसीलों पे, क्या कि ये फला सर्टिफिकेट कितने दिन में बन के मिल जाना, इज दैट क्लियर, आप गए 15 दिन हो गए महीना भर हो गया चक्कर काटने का हमारे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम, रोज आ जाते चक्कर लगाने, होगा अपने आप पहुंच जाएगा, क्या हो रहा है आपके अधिकार का, हो रहा
आप कोर्ट जा सकते हैं कि सरकार मैंने आवेदन कर दिया, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी थी और मुझे बहुत जरूरत है, मेरा पीसीएस का इंटरव्यू है और मेरा प्रमाण पत्र बना करके 15 दिन से ज्यादा बीत गए हैं, नहीं किया। कोर्ट क्या करेगी? परमादेश जारी कर देगी, रिट जारी कर देगी। क्या कर देगी? रिट जारी कर देगी कि आप बताइए कि आपने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं की और क्या देरी क्यों हुई। इससे पहले कि रिट का कोई आदेश आए, तहसीलदार साहब खुद ही आ जाएंगे, बेटा तुम्हारा पहुंच के घर पहुंच। ये है परमादेश कि यदि कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो कोर्ट उस कर्तव्य को करने के लिए कह सकती है, पूछ सकती है इस रिट के माध्यम से। किसके माध्यम से? और ऐसे बहुत सारे उदाहरण, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। पब्लिक सिक्योरिटी देना, बुलाया था मास्टर को भी पढ़ाना है, पब्लिक ड्यूटी है उसकी, वेतन ले रहा है तो पढ़ाना चाहिए उसको, ठीक है ना। कोई लोक अधिकारी है बुलाएगा उसने, साहब हम 3 महीने से आ रहे हैं, एक क्लास में थे, कोर्ट पूछ लेंगे प्रिंसिपल साहब से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, उसके बाद क्या है? दो रिटे हैं, प्रोहिबिशन और सर्टिफिकेट, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। क्या है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दो रिटे हैं। इन दोनों रिटों को हम लोग बोलते हैं जुडिशियल रिट। क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं इसको? न्यायिक। क्या बोलते हैं इसको? तो पूछा जाता है कई बार सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जुडिशियल रिट है? बहुत सिंपल सवाल, तो चार रिट लिख देगा, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटर। तो कौन सी जुडिशियल रिट है? बहुत आसान है, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। यह आपको क्या कर देगा? प्रोहिबिशन हटा देगा, सर्टिओरी जोड़ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक न्यायिक रिट है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सर्टिओरी और को वारंटर, ठीक है ना। तो कौन सी हो जाएगी आंसर? कौन सी हो जाएगा? सर्टिओरी, उत्प्रेषण, क्या? ये दोनों न्यायिक है। अब दिक्कत ये है कि प्रतिषेध क्या है और उत्प्रेषण क्या है। अधिकार क्षेत्र से बाहर, तो कौन सा न्यायालय किसको देगा? उच्चस्थ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को किसी काम से करने को जब प्रोहिबिट करता है, रोकता है, तो उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। कुछ लग रहा है कि अपने क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा है, उन्होंने कहा साहब इनको अधिकार नहीं है और ये काम कर रहे हैं, न्यायालय इस पर काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय क्या कर देगा? उस मामले पर रोक देगा कि आपको सुनवाई करने की जरूरत नहीं है, इस काम को जिस स्टेट में है उस स्टेट में क्या कर दीजिए, रोक दीजिए। उसको भेजने की बात नहीं है, सर्टिओरी में जाएगा। यहां केवल क्या कर दिया? प्रोहिबिट कर दिया, काम करने से रोक दिया। लेकिन उत्प्रेषण में उच्चस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से क्या कर सकता है? न केवल मामलों को रोकने के लिए कहता है, बल्कि उस मामले के रिकॉर्ड को अपने पास एक स्टेप और आगे आ गया, उसको क्या कर दिया? रोक भी दिया और क्या कर दिया? अपने पास उसके रिकॉर्ड को मंगा लिया। मेरी बात समझ आ गई? प्रोहिबिशन और सर्टिओरी में अंतर, सर्टिओरी एक स्टेप आगे जाता है, क्या करता है वो? मामले को रोक दिया और रिकॉर्ड को अपने वापस। अब हम देखेंगे इसमें क्या होना है। किसी भी प्रकार के मामले जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो वहां प्रोहिबिशन में उसको रोक सकते हैं और उत्प्रेषण में क्या है? न केवल रोक सकते हैं बल्कि खुद की सुनवाई के लिए उसको अपने पास मंगा भी सकते हैं। बात समझा गई? तो ये दो जुडिशियल रिट थी, प्रोहिबिशन और कौन सी? सर्टिओरी। और पांचवी रिट है को वारंटर। कौन बताएगा? जैसे हम तो देखिए व्यवहार से समझते हैं, हमको थोड़ा कम समझ आता है। कैसे? यही तो सवाल था। जैसे किसी सरकारी आदमी कोई अधिकार नहीं है, उससे ऊपर काम कर रहा है, तो
तो वही तो पूछ रहा हूँ कैसे टीचर को ये नहीं, वो वारंट तो कहता है अधिकार अपेक्षा कोई व्यक्ति किसी पद पर कार्य कर रहा है तो किस अधिकार से। मैं आपको बहुत आप कंपटीशन से जुड़ी चीज बताता हूँ। अनिल यादव जी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्या थे, चेयरमैन, इसी रेट के माध्यम से हटाए, क्योंकि आप जानते हो नियुक्ति तो राज्य सरकार करती है लेकिन चेयरमैन को हटाने में पड़ेंगे आप आगे जा करके इसी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन हटाने का अधिकार प्रेसिडेंट हटा सकता है नियुक्ति स्टेट में, बट हटाने का अधिकार किसको है। तो यही रिट पड़ी उनके खिलाफ कि आप किस अधिकार से चेयरमैन पद पर काम कर रहे हैं, आर यू वर्किंग एज ए चेयरमैन इन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस, यही रिट पड़ी उनके खिलाफ। तो निकल के उन्होंने कहा आई एम सिलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, देन हाउ यू सिलेक्टेड। उसी प्रोसेस पे बात हुई किस अधिकार से आप इस पद पे, उन्होंने कहा आई एम सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो जो प्रोसेस थी उनके सिलेक्शन की उसी आधार पर उनके सिलेक्शन को शून्य घोषित किया गया, हटाए नहीं गए, टाइम नहीं गए थे। क्या हुआ था उनकी चेयरमैनशिप को ये कहा गया कि ये प्रोसेस गलत था, ठीक है, इसलिए उनको उनकी नियुक्ति को शून्य घोषित किया। इज दैट क्लियर। तो ये होता है को वारंट। कोई भी लोक पदाधिकारी जिसको ये पूछा जा सकता है कि आप कैसे उस पद पर किस अधिकार से उस पद पर कार्य कर रहे हैं, नियुक्ति शून्य का मतलब हो गया कि वॉइड है, शून्य का मतलब हो वो अवैधानिक, हाँ बिल्कुल हटाया नहीं गया, क्योंकि हटाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति को देता है, सीधे सीधे आपको इल्जाम लगता, सरकार क्या करती उसको हटा देती किसी भी कानून से। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन है, मान लीजिए कल अभी पढ़ेंगे राष्ट्रपति का इलेक्शन, जब पढ़ोगे आप राष्ट्रपति निर्वाचन को लेकर के कोई रिट दायर हुई कहा सुप्रीम कोर्ट में, आपको मालूम है राष्ट्रपति निर्वाचन को लेकर कहां दायर होती है, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको निर्वाचन को क्या कर दिया, अवैधानिक घोषित कर दिया, वॉइड कर दिया, जीरो कर दिया। तो क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई पद है, कोई है कोई पद इस देश में, इम्पीचमेंट के द्वारा भी उसको हटा हुआ मान लिया जाता है, कोई हटाता नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के पद को क्या कर दे, अवैधानिक घोषित कर दे, उसकी प्रोसेस को अवैधानिक घोषित कर दे, तो उसको हटाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं कि चलो भैया तुम्हें अवैधानिक घोषित कर दिया हटाया जाता है, उसको मान लिया जाता है कि अब आप पद से हट जाए। लेकिन वही यह भी लिखा है कि राष्ट्रपति ने जो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कार्य कर लिए संवैधानिक पद पर, वो सब वैध होंगे, उन पर कोई असर नहीं। पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो ये आर्टिकल 32 था जिसमें पढ़ा आपने एक में कि समुचित प्रक्रिया के माध्यम से गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और दूसरे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है और रिट जारी कर सकता है, और ये रिटें कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, मैंडेबस, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्क्युलरी और को वारंट। आंसर रेट आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। इसके बाद तीसरा है वो ये कहता है उच्चतम न्यायालय के खंड 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल, माने संसद उच्चतम न्यायालय के अधीन प्रत्येक के लिए सभी शक्तियों को किसी अन्य न्यायालय वोट करना। तीन क्या कहता है कि यदि संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट निकालने की शक्ति है इस पर प्रभाव डालेगा, मतलब उसकी शक्तियां बनी रहेंगी, अन्य न्यायालयों को भी क्या कर सकता है, अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति दी जा सकती है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। 32 3 क्या कहता है, पहले ने कहा गारंटेड,
बाय द सुप्रीम कोर्ट, दूसरे में क्या बाय द रिट, और तीसरे में क्या क्या कि ये पावर्स जो रिट करने की शक्ति है जो एक और दो में जो दी है वो शक्तियां अन्य न्यायालयों को भी दी जा सकती हैं अगर कौन चाहे, संसद चाहे तो कानून बना करके ये शक्तियां दे सकती है किसको, अन्य न्यायालय। यही कहता है थर्ड, विदाउट प्रिजुडिस टू द पावर्स कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉज 1 एंड 2 पार्लियामेंट मे बाय लॉ विधि बनाकर empower any other court to exercise within the local limits of jurisdiction all or any of the powers exercised by the Supreme Court under clause 2. Simple सी बात, इतनी लंबी भाषा नहीं जाना, आप पढ़ लेंगे समझ जाना चाहिए। ये जो रिट निकालने की पावर है, आपसे पूछे कोई कि रिट निकालने की पावर तो 226 में बनते हैं हाई कोर्ट के पास है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी रिट निकालने की शक्ति दी जा सकती है, हाँ या ना? फिर पूछे आपसे इंटरव्यू में क्या अभी रिट निकालने की शक्ति है, नहीं है। क्या दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। बोलेगा कैसे, बोले 32 के क्लॉज 3 में संसद विधि बना करके किसी भी न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति प्रदान। ये कौन कहता है, आर्टिकल 32 का क्लॉज 3। क्लियर हो गया, क्लियर है सबको, पूछता है इंटरव्यू में कई बार कि बताइए रिट निकालने की शक्ति किन किन के पास है, चॉइस दे देगा बंटू, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, नहीं केवल सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट, फिर अंतर बताता है, बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर वो पूछ देगा क्या अन्य कोर्टों को भी ये अधिकार मिल सकता है, मिल सकता है, कहां मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, लॉ में मिल सकता है, और क्या कर सकता है कि संसद विधि बना करके अन्य न्यायालयों को भी ये पावर दे सकता है। चौथा, इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधन के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्यावर्तक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। The right guaranteed by the articles shall not be suspended except as otherwise provided for this constitution. संविधान में जो निलंबित करने का अधिकार है, सस्पेंड करने का, जैसे इमरजेंसी, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इसके अलावा इसको कभी भी अन्य प्रकार से सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मेरी बात समझ आई, चौथी नहीं समझ आई। चौथा क्या कहता है, 32 का क्लॉज 4 क्या कहता है कि इस संविधान में खुद से जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत तो इस आर्टिकल को सस्पेंड किया जा सकता है। मेरी बात समझ रहा, अन्यथा इसको सस्पेंड नहीं किया सकता। और सस्पेंड करने का अधिकार कहां है, ये तो ये बताया गया कि सस्पेंड नहीं हो सकते, ये अधिकार सस्पेंड नहीं हो सकते सिवाय किसके, संविधान में दिए गए उपबंधों के। और संविधान को उपबंध कहां दिया सस्पेंड करने का, आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजंस में, कहां पे, 358 में और 359, दो आर्टिकल्स हैं 358 और 359, वहां पे दिया हुआ है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है इन अधिकारों। अब मेरा सवाल इससे ऊपर है, तो 1, 2, 3, 4 आपको 32 समझ में आया, 32 एक गारंटेड, ठीक, इसके कार्रवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, दूसरे में रिटें, तीसरे में क्या अन्य कोर्ट्स को भी रिट पावर दी जा सकती है, और चौथे में क्या कहा गया है कि ये सस्पेंड नहीं हो सकते सिवाय संविधान में उपबंधों के। और संविधान को उपबंध कहां दिए हुए हैं, कैन नॉट बी सस्पेंडेड, क्या लिखा है यहां पे, कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट प्रोविजंस आर गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में दिए गए उपबंधों के सिवाय इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये लिखा है। और ये जो प्रोविजन दिए हैं सस्पेंड के, कहां दिए हुए हैं, कहां दिए हुए हैं, इमरजेंसी प्रोविजन में, और कहां पे, 358 और 359, आर्टिकल 358 और 359। अब ये मेरा एक सवाल, राष्ट्रपति प्राण और देह स्वतंत्रता को छोड़ करके क्या कर सकता है, सारे मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है। President can suspend all the fundamental rights except the किस अधिकार को छोड़ करके,
यानी कि उसको छोड़ करके ध्यान की भक्ति भी सस्पेंड हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? 21 को छोड़कर सब क्या हो जाएंगे? सस्पेंड। दैट मींस क्या हो गया? 32 भी क्या हो गया? सस्पेंड हो गया। अब ड्यूरिंग द इमरजेंसी जब ये अधिकार सस्पेंड है और आपका 21 का ही अधिकार क्या हो रहा है, मान लो बाधित हो रहा है, तब आपको रेमेडी कैसे मिलेगी? इट इज द क्वेश्चन। मेरी बात समझ आ गई? मेरा क्वेश्चन समझ आ गया? ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट। कर सकता है कि नहीं? और उसमें लिखा है 21 को छोड़कर। लेकिन अगर 21 को बाधा पहुंच रही है उस दौरान, तो आपके पास उस अधिकार को लागू कराने के लिए कोई उपचार है? क्योंकि 32 भी सस्पेंड पड़ा है। मैंने कहा ना कि इमरजेंसी के दौरान सारे अधिकार क्या हो गए? सस्पेंड हो गए। और संविधान कहता है 21 को छोड़ कर। अब मान लीजिए 21 पे कोई क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और 32 सस्पेंड पड़ा है कि उससे हमको अधिकार मिल सकता है, तो अब हमारे पास उपचार कहां है और कैसे उपचार दिया जाएगा? इट इज अ क्वेश्चन, पढ़ के आना है। ठीक है, थैंक यू। आप आना कल इस दिन अगली क्लास, ठीक है? और बिफोर 15 मिनट आ जाना, मैं पहले क्लास में आ जाऊंगा 10 मिनट पहले और आपकी सारी प्रॉब्लम समझ लेंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ।